और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता देना चाहती हूँ, सभी ना इलेक्शन धमाका, इलेक्शन से जुड़ी हर बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल को लेकर खबर आ गई है, 1 अप्रैल तक रिमांड अरविंद केजरीवाल की बढ़ गई है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला जो सुरक्षित रखा गया था, 7 दिन की रिमांड ईडी ने मांगी थी, अब वो 4 दिन की कर दी गई है। ईडी ने मांगी थी 7 दिन की रिमांड, राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से 4 दिन की रिमांड दी गई है, यानी कुल मिलाकर 1 अप्रैल तक अरविंद केजरीवाल को जेल में ही बंद रहना पड़ेगा, ईडी की कस्टडी में रहना पड़ेगा। ईडी ने आज कौन कौन सी बातें रखी थी मैं आपको बता देना चाहती हूँ। ईडी ने कहा था कि देखिए, हमें 4 लोगों से गोवा में जो हमने पूछताछ की है, ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, जो पैसा लेकर लिकर पॉलिसी का गोवा में लगाया गया था, उसी बाबत हमने 4 लोगों से पूछताछ की है, अब हमें आमना सामना करवाना है। और यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल की रिमांड हमें 7 दिन की और चाहिए, लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट ने 1 अप्रैल तक रिमांड में रखा है अरविंद केजरीवाल को। यह इस वक्त की बड़ी खबर है, हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वहां से जो वकीलों का पूरा पैनल बाहर निकले, उनका पहला रिएक्शन आप तक पहुंचाया जा सके, लेकिन अरविंद केजरीवाल के पूरे मसले पर इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि 1 अप्रैल तक अब अरविंद केजरीवाल को जेल में ही रहना होगा। इसके इतर आज सुबह उनके सीएम रहने नहीं रहने पर कोर्ट में जो अर्जी दाखिल की गई थी, उसमें कोर्ट ने क्लियरली कह दिया है कि देखिए, ये कार्यपालिका का मामला है, ये एलजी का मामला है और ये दिल्ली सरकार का मामला है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। दूसरी तरफ राउज एवेन्यू कोर्ट का जो फैसला सुरक्षित रखा गया था, वो आ गया है कुछ देर पहले, 1 अप्रैल तक रिमांड में रहेंगे अरविंद केजरीवाल। मानव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। तरफा कार्रवाई कर रही है ईडी ने, अब से पहले जितने लोगों की स्टेटमेंट्स ली हैं, वो स्टेटमेंट जब तक लेते रहे उन लोगों की जो एक्यूज थे, बाद में अप्रूवर बन गए, वो स्टेटमेंट तब तक लेते रहे जब तक अरविंद केजरीवाल जी या हमारे बड़े नेताओं का नाम उनके मुंह से नहीं निकला। और वो स्टेटमेंट जैसे ही अरविंद जी का नाम लिया, उसके बाद फर्दर कोई स्टेटमेंट नहीं ली गई। एक एक्यूज से 5 स्टेटमेंट ली गई है, एक से 7 ली गई हैं, और शरत रेड्डी से 9 स्टेटमेंट ली गई हैं। और शरत रेड्डी का के बारे में सारा देश जानता है, इलेक्ट्रल बॉन्ड का सर्वोच्च न्यायालय के फैसले आने के बाद किस तरीके से 60 करोड़ रुपये का मनी ट्रेल भारतीय जनता पार्टी के खाते में गया है। तो अरविंद जी ने ये बात उठाई है कि ईडी उसकी इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं कर रही, ऐसे एक्यूज्ड को जिसको अप्रूवर बनाया गया, बेल दी गई, माफीनामा दिया गया और उससे भारतीय जनता पार्टी रिश्वत ली। ये अरविंद केजरीवाल के वकील थे जो इस वक्त ये बता रहे थे कि देखिए, एक के बाद एक ईडी की तरफ से जो पूछताछ की गई है, वो तब तक पूछताछ की जाती है, इनफैक्ट वो ईडी पर आरोप लगा रहे थे, लेकिन अभी खबर ये है कि कोर्ट ने सारी दलीलों के मद्देनजर अब ये फैसला सुना दिया है कि 1 अप्रैल तक अरविंद केजरीवाल अब ईडी की कस्टडी में रहने वाले हैं। मानव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। मानव, 7 दिन की रिमांड मांगी, 4 दिन की मिली। बिल्कुल, देखिए 1 अप्रैल को सुबह 11:30 बजे के आसपास अरविंद केजरीवाल को दोबारा पेश किया जाएगा। पेश तो होंगे ही, लेकिन दूसरी बड़ी बात जो ईडी की तरफ से की गई है कि गोवा के जो 4 आम आदमी पार्टी के नेता हैं, जिनसे पूछताछ हुई है, उनके सामने अरविंद केजरीवाल को बिठाकर कन्फ्रंट कराया जाएगा। ये अपने आप में एक बड़ी दलील आज ईडी ने कोर्ट के सामने रखी थी, और एक तरीके से रिमांड का जो पूरा ग्राउंड था, वो ईडी के वकीलों ने कोर्ट में आते ही एएसवी राजू की तरफ से आते ही तय कर दिया गया था कि अरविंद केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। ऐसे में कोर्ट ने अब 7 दिन की रिमांड ईडी ने मांगी थी, 4 दिन की रिमांड ईडी को दी है, यानी अरविंद केजरीवाल 4 दिन तक और ईडी हेडक्वार्टर में ही रहेंगे, पूछताछ उनसे की जाएगी। इसके अलावा जो बाकी लोगों से अभी जिनके बयान रिकॉर्ड किए गए हैं, उनके सामने बिठाकर भी अरविंद केजरीवाल से पूछताछ कराई जा सकती है। तो अब यहाँ से अरविंद केजरीवाल को लेकर ईडी यहाँ से निकल भी गई है। तो ये ताज़ा अपडेट है जो राउज एवेन्यू के पीएमएलए कोर्ट से अभी आया है कि ऑर्डर जो सुरक्षित रखा गया था उसको सुनाते हुए कोर्ट ने 11:30 बजे 1 अप्रैल तक ईडी रिमांड अरविंद केजरीवाल की बढ़ा दी है। 7 दिन की ईडी रिमांड ईडी ने मांगी थी, लेकिन सिर्फ 4 दिन की कोर्ट से रिमांड ईडी को मिली अरविंद केजरीवाल। ओके, मानव, मैं चाहूंगी, क्योंकि देखिए अभी फैसला आया है, मुझे पता है कि वो जो भी फैसला लिखित में होगा उसे पढ़ने में समय लगेगा, लेकिन अगर कोई ऑब्जर्वेशन है तो जरूर हमारे दर्शकों को बताइएगा। आनंद भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, जो बात आप पहले कह रहे थे वो सही साबित हुई है कि देखिए, रिमांड तो मिलेगी इस मसले पर, क्योंकि ईडी के पास पुख्ता सबूत है, लेकिन वो रिमांड जो 7 दिन की मांगी थी उसे 4 दिन का किया गया है। अब इन 4 दिनों में ईडी की तरफ से एक तो आमना सामना होगा,
और जो बातें ईडी ने कही है कि पासवर्ड नहीं दे रहे हैं, फोन लॉक हमें अनलॉक करना है वो नहीं हो पा रहा है, हमारे साथ किसी तरह का कोऑपरेशन अरविंद केजरीवाल की तरफ से नहीं देखने को मिल रहा है, तो क्या ये चार दिनों में इन सारे के सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे जो ईडी चाह रही है या खोज रही है? देखिए बिल्कुल, रिमांड नोट भी सामने आ चुका है। मैं अभी उस रिमांड नोट को ही पढ़ा था, उस 10-12 पेज का वो रिमांड नोट है और उसमें यही तमाम चीजें की कही गई हैं। साउथ ग्रुप का उसमें जिक्र किया गया है, अरविंद केजरीवाल किस तरह से मेन कॉन्स्पिरेटर हैं उसका जिक्र किया गया है, जो विजय नायर है जो उनका एक गुड बॉय जिसे बताया जाता है, जो पूरा मैनेज कर रहा था साउथ ग्रुप को, और जो किकबैक्स का पैसा, रिश्वत का पैसा है उसे रूट करने में, उसे इकट्ठा करने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसके अलावा किस तरह से मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, इन तमाम लोगों के नाम का उसमें जिक्र किया गया है, गोवा चुनाव का उसमें जिक्र किया गया रिमांड नोट में, और उसमें प्रेयर की गई है कि इन्हीं तमाम ग्राउंड पर अरविंद केजरीवाल से बाकी आरोपियों का जो है वो कन्फर्म कराना है। और जिस तरह से आज ईडी ने जो बयान दर्ज करे हैं गो में आम आदमी पार्टी से जुड़े नेताओं के, उनसे अरविंद केजरीवाल का कन्फर्म कराना है, जो मोबाइल फोन है उसका उसका पासवर्ड जो है वो पता करना है, तो मनी ट्रेल से जुड़े तमाम ऐसी चीजें हैं जो अभी ईडी अरविंद केजरीवाल से जानना चाहती है, और जो वो पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं, कई सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं। अब इन चार दिनों की रिमांड में वो तमाम सवालों के जवाब भी जानने की ईडी कोशिश करेगी, तो ये चार दिन अभी काफी महत्वपूर्ण है। और मेरे पीछे जो ईडी का हेडक्वार्टर है इसके लॉकअप में अरविंद केजरीवाल वापस यहाँ पर आ गए हैं और उनसे आज फिर थोड़ी देर के बाद जो है वो पूछताछ ईडी की शुरू होगी। आनंद हमारे साथ बने रहिएगा। देखिए वो पीछे जो लॉकअप है वो इस वक्त दिखाया जा रहा है और आनंद बता रहे हैं कि कैसे अरविंद केजरीवाल को उसी लॉकअप में रखा जाएगा और वहां पर लगातार पूछताछ होने वाली है। अभी बड़ी खबर यह है कि 1 अप्रैल तक ईडी कस्टडी में ही अरविंद केजरीवाल को रखा जाएगा।